आदरणीय भगवान, आपकी सेवा में मैंने सदैव निवेदन किया है कि सोलर एवं विंड एनर्जी के सेक्टर को हमने खेलना तो है, लेकिन ऐसे शेयर्स पर फोकस करना है जो कि सस्ते एवं वाजिब दाम पर मिल रहे हैं, मैनेजमेंट की क्वालिटी बेजोड़ है, साथ में कॉरपोरेट गवर्नेंस का भी कोई इश्यू ना हो। ऐसी ही एक कंपनी है टाटा पावर, जिस पर ब्रोकरेजेस बड़ी मेहरबान हो रही हैं। मॉर्गन स्टेनले ने टाटा पावर को 20% ऊपर का टारगेट दे डाला है। कारण उसका यह है कि टाटा पावर ने राजस्थान सरकार के साथ आगामी 10 वर्षों के लिए एग्रीमेंट किया है। जी हाँ दोस्तों, टाटा पावर अकेली 1.2 लाख करोड़ रुपए निवेश करेगी राजस्थान में, ताकि वहां पर सोलर एनर्जी की प्रोडक्शन कैपेसिटी खड़ी की जाए। टाटा पावर, जो कि अभी तक थर्मल पावर की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी, अब आप देख लीजिए वह एक सोलर एंड विंड प्रोडक्शन कंपनी बन रही है। ये तो बात हुई एनर्जी प्रोडक्शन की, साथ में टाटा पावर सोलर मैन्युफैक्चरिंग भी चालू कर रही है। महोदय, तमिलनाडु में नया प्लांट लगाया जा रहा है। टाटा पावर जो भी सोलर प्लांट लगाएगी उसके लिए कंपोनेंट्स भी, जी हाँ कंपोनेंट्स भी टाटा पावर ही बनाएगी। टाटा पावर का शेयर बहुत चढ़ चुका है, किंतु अभी भी महाशय इसका वैल्यूएशन सस्ता है। अगर आप अन्य सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों से कंपेयर करें तो टाटा पावर बेहतर वैल्यूएशन पर है। मैनेजमेंट क्वालिटी पर तो कोई संदेह भी नहीं कर सकता। तो टाटा पावर इसी कारण आज नहीं, आज से कुछ दिनों पहले मैंने अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड किया था, उत्फल भी आया है। अभी आपसे प्रबद्ध निवेदन है, मेरी बात सुनकर टाटा पावर में आपने निवेश नहीं करना है। टाटा पावर में जल्दी ही और अच्छे निवेश के अवसर उभरेंगे, और इसी थीमों पर, इसी लॉजिक पर आधारित निवेश के अवसर जो भी मिलते रहेंगे उन्हें अपने क्लाइंट्स की सेवा में मैं सदैव प्रस्तुत करता रहूंगा। आपकी सेवा करना भी मेरा सौभाग्य होगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, उस पर क्लिक करके अभी के अभी मेरा क्लाइंट बन जाइएगा श्रीमंत।